नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीकली सीरीज चला करता था वो वापस से कंटिन्यू हो रहा है। लेट होने की वजह से हम मंथली डिस्कस किया करते थे, जुलाई तक कंप्लीट हो गया है, एक महीने का बचा हुआ है अगस्त का, उसे हम आने वाले दिनों में जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन वीकली जो हमारा सीरीज है वो कंटिन्यू होगा। और आज के इस लेक्चर में हम 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब को यहां एनालिसिस करेंगे। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा। रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, यानी कि इस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल के साथ 19 पदक जीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। विस्तार से चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र से कई अन्य पहलुओं को लॉन्च किया है, इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि आज के ही दिन। इस टॉपिक में देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और इस बैठक की मुख्य बातें क्या रही। इसके बाद ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कार्बी एंगलोक समझौते पर 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस टॉपिक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये कार्बी एंगलोक समझौता है क्या, ये कार्बी एंगलोक क्या है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। इसके बाद भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वैश्विक स्थिति है और भारत की स्थिति किस प्रकार से है। इसके बाद लद्दाख ने हाल ही में 2 लुप्तप्राय प्रजातियों को अपना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया है, ये प्रजाति हैं हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक क्रेन, इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 1 सितंबर 2021 से पोषण माह की शुरुआत की गई है, इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया गया, क्या रहा इस वर्ष का खास बात, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक होगा, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, कब शुरू हुआ, इस वर्ष का थीम क्या है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ एक एक टॉपिक को विस्तार रूप से देखते हैं, यानी कि डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में आयोजित नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से, इसलिए इसका आयोजन कब किया गया, इसका आयोजन इस वर्ष 2021 में किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो मेन वाला होता है समर ओलंपिक, उस पर हम डिटेल में एनालिसिस इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। सबसे पहले पॉइंट पर देखेंगे कि कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया। कहां आयोजन किया गया, तो जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण है, तो 16 संस्करण है, यानी कि 16वां संस्करण। और जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ वो कौन सा संस्करण था, 32वां। पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण है, 16वां, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोटो दोनों का सेम है, यानी कि ओलंपिक जो 2020 संपन्न हुआ उसका भी मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था और इसका भी मोटो यूनाइटेड बाय नेशन है। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया पैरा ओलंपिक 2020 में, तो 162। और ओलंपिक में कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो कुल देशों की संख्या है 206। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। भारतीय दल की अगर हम बात करें तो टोटल कितने भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने इस गेम में हिस्सा लिया, तो अब तक का ये नंबर सबसे ज्यादा है, यानी कि इस वर्ष
सबसे ज्यादा पैरा खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया और इन खिलाड़ियों की जो संख्या है वो है 54। भारत ने इस वर्ष एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया था पैरा ओलंपिक के लिए और इस थीम सॉन्ग को भी याद रखिएगा, शुरुआत है कर दे कमाल तू। और इस गाने में जिन्होंने सॉन्ग दिया है उनका नाम है संजीव सिंह, ये भी एक पूर्व दिव्यांग क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्हीं की आवाज में ये है। और ध्वजावाहक जो उद्घाटन हुआ पैरा ओलंपिक का उसमें ध्वजावाहक कौन थे, तो टेक चंद। और समापन ध्वजावाहक किन्होंने किया, तो निशानेबाज अबनी लेखरा जो है ये समापन में ध्वजावाहक रहे। और इससे पहले जो ओलंपिक संपन्न हुआ उसका उद्घाटन ध्वजावाहक कौन थे, तो मैरी कॉम और कौन मनप्रीत सिंह, ये दो जो है ध्वजावाहक थे उद्घाटन के। समापन के समय में ध्वजावाहक कौन थे, तो वो थे बजरंग पुनिया, ये समापन के ध्वजावाहक थे टोक्यो ओलंपिक के। और पैरा टोक्यो ओलंपिक के ध्वजावाहक और समापन ध्वजावाहक का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से भारतीय एथलीट कौन कौन से खेल में पदक जीते हैं ये याद रखना होगा, खासकर गोल्ड मेडल, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत की तरफ से किन्होंने जीता, तो अवनी लेखरा ने महिलाओं की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा गोल्ड मेडल सुमित एंटिल ने भारत को दिलवाया, किसमें, जैवलिन थ्रो में। तीसरा गोल्ड मेडल मनीष नरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल दिलाया। चौथा गोल्ड मेडल प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और पांचवा गोल्ड मेडल जो है बैडमिंटन में ही कृष्ण नागर ने जीता है। तो भारत इस तरह से 5 गोल्ड मेडल जीता है इस पैरा ओलंपिक में। आगे जानते हैं सिल्वर मेडल, इस प्रकार से इतने खिलाड़ी जो हैं वो सिल्वर मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की जो संख्या है वो है 8, यानी कि भारत ने कुल जो है 8 सिल्वर मेडल जीता है। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सबसे पहला नाम है टेबल टेनिस में भाविना पटेल, निषाद कुमार ने हाई जंप में और योगेश कुथानिया डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा देवेंद्र झारिया जेवलिन थ्रो में और मरियप्पन थांगा वेलू और प्रवीण कुमार दोनों ही हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही शूटिंग में 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिंहराज अडाना जो है इन्होंने भी देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। इसके बाद अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो भारत को टोटल ब्रॉन्ज कितना मिला है, 5 आपका गोल्ड हुआ, 8 आपका कितना हुआ 13, और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। और इस तरह से इस पैरा ओलंपिक में टोटल मेडल जो है भारत को मिले हैं 19, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से आप देखोगे ब्रॉन्ज मेडल किन्हें मिला है, तो पहला है सुंदर सिंह गुज्जर जो कि जेवलिन थ्रो में इन्हें मिला, सिंहराज अडाना ने शूटिंग में जीता है, शरद कुमार हाई जंप में, अवनी लेखरा ने शूटिंग में। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा एक ऐसा नाम है जो कि इस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीती है, पहला गोल्ड और दूसरा कौन सा ब्रॉन्ज मेडल। हरवेंद सिंह जो है तीरंदाजी में और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन करके रखिएगा, अवनी लेखरा और सिंह राज अडाना ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम टोटल कंट्रीज की, यहां पर टॉप कंट्रीज कौन सा रहा उसकी अगर हम बात करें मेडल जीतने में, तो सबसे पहले नंबर पर रहा चाइना, टोटल 96 गोल्ड मेडल जीता, और इसके साथ ही टोटल मेडल की संख्या अगर हम बात करें तो 207 है। ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन सा देश है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, चीन है। और पैरा ओलंपिक में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो ग्रेट ब्रिटेन है, इसने कुल मेडल जीता 124। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां तीसरे नंबर पर रहा, भारत यहां पर 24वें स्थान पर रहा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था 2020 टोक्यो ओलंपिक में। भारत 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो टोटल मेडल है वो 19 जीता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, भारत 1968 से लेकर 2020 से पहले कुल मेडल जीता था, यानी कि अपने इतिहास में भारत ने पैरा ओलंपिक में कुल मेडल जीता कितना 12, और इस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल मेडल कितना जीता 19, यानी कि इतिहास में अब तक जितने मेडल भारत ने नहीं जीते थे उतने मेडल सिर्फ एक ओलंपिक में भारत ने जीता है
इस ओलंपिक में, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ओलंपिक भी याद रखिएगा और पैरा ओलंपिक भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है विद्यांजलि पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो स्कूली बच्चों को, यानी कि स्कूल जगत को, जहां पर स्कूली बच्चे पढ़ा करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर डोनेशन देना चाहे तो इस पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से दिया जा सकता है। इसके पीछे का उद्देश्य है ताकि स्कूली शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। ठीक, और इस पोर्टल को लॉन्च कब किया गया, 7 सितंबर को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस पोर्टल को किसने डेवलप किया है, तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से डेवलप किया गया है। ठीक, स्कूल विकास के लिए शिक्षा में चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन देना चाहे या फिर कोई जो भी डोनर हो वो डोनेशन देना चाहे तो वो इस पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल दे सकता है। ठीक, अब यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी दिन यानी कि 7 सितंबर को ही शिक्षक पर्व 2021 को लॉन्च किया गया, 5 सितंबर को और 7 सितंबर को उस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक, अब शिक्षा पर्व 2021 पहली बार लॉन्च किया गया है, यानी कि इससे पहले शिक्षा पर्व कभी भी नहीं मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर शिक्षक पर्व को शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 5 सितंबर से शुरू हुआ जो कि 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों का जो मूल्यवान योगदान है उसे सम्मानित करने के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च किया गया है उसे आगे किस प्रकार से ले जाया जाए, इसीलिए इस शिक्षक पर्व 2021 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा, इतना पॉइंट्स आपके लिए काफी होगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है तीसरा, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021। जो 20वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वह भी कोविड-19 की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया था, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी वर्चुअली रूप से आयोजित किया जा रहा है आज ही के दिन। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारत के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक, डेट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 9 सितंबर 2021 को। कौन सा संस्करण था, 13वां था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता किया गया, और दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले 2016 में गोवा में भी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके हैं। ठीक, आगे बढ़े, इस ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है, यानी कि इस वर्ष जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है यह इसका 15वां वर्षगांठ है। और इस वर्ष जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है, ब्रिक्स के गठित होने का 15वां साल है, और इसीलिए इसका अगर आप थीम देखोगे तो ब्रिक्स एट द रेट 15, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग, ये जो है इस वर्ष का थीम है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स के बारे में जानना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स ना तो अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ना ही ब्रिक्स को किसी संधि के तहत गठित किया गया है। यह एक 5 देशों का एकीकृत पहल है जिसका नाम है ब्रिक्स, और ब्रिक्स जो नाम है ये 5 देशों को दर्शाता है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यही ब्रिक्स का रूप है और यही ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक, तो इन कंट्रीज का नाम आप याद रखिएगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। इसे एस्टैब्लिश कब किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली शुरुआत, यानी कि जो सबसे पहला नाम उभरा था ब्रिक के रूप में, वो उभरा था 2001 में, और इसी समय जिम ओ'नील एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ब्रिक की जो है वो संकल्पना रखी थी। उसके बाद 2006 में ब्रिक्स पर जो है वो पहली बैठक आयोजित की गई। हालांकि यह शिखर सम्मेलन नहीं था, ब्रिक्स को गठित करने के लिए यह पहला जो है बैठक हुआ था 2006 में। और उसके बाद 2009 में ब्रिक्स का जो है
वो पहला सबमिट होता है कब? 2009 में। कहां? पहला अध्यक्षता रूस के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो 2009 में पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अब ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो क्रमानुसार किया जाता है। क्रमानुसार किस प्रकार से? तो एक वर्ष ब्राजील के द्वारा किया जाएगा, एक वर्ष रशिया के द्वारा, एक वर्ष इंडिया के द्वारा, एक वर्ष चाइना के द्वारा और एक वर्ष साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो इसी क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता किया जाता है और उस राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और ब्रिक्स देशों की अगर हम खास बात करें तो जनसंख्या अगर हम देखें तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है और टोटल वर्ल्ड जीडीपी का देखें तो 30% जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के पास है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रिक्स के बारे में आप याद रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स की तरफ से एक बैंक भी स्थापित किया गया है ताकि ये देश आपस में सहयोग कर सके। इस बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब स्टैब्लिश किया गया? तो दिल्ली में जब ब्रिक्स का सबमिट हुआ था 2012 में, तो उस समय संकल्प लिया गया था इस बैंक को गठित करने के लिए। और 2014 में जब ब्राजील के फोर्टलिजा में ब्रिक्स सबमिट आयोजित किया गया तो उस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के संघाई में स्थित है। तो इतनी बातों को आप ब्रिक्स से रिलेटेड याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, कार्बी एंगलोंग शांति समझौता। हाल ही में भारत सरकार, असम की सरकार और कार्बी एंगलोंग के बीच में एक त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है। कब हुआ? ये 4 सितंबर 2021 को हुआ। यह समझौता क्या है यह समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कार्बी एंगलोंग क्या है और यह शांति समझौता किस लिए हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। तो इस समझौते के अनुसार जो कार्बी एंगलोंग का समुदाय था, इनके जो सशस्त्र समूह थे यानी कि हथियारबंद जो समूह थे, इन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यह कहा कि आने वाले महीने में हम हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। यानी कि असम के इस देश में अगर आप देखोगे तो कार्बी एंगलोंग के लोग रहते हैं, यानी कि समुदाय के लोग रहते हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर हिंसा का रूप हथियार पकड़कर अपनाते हैं। और इस शांति समझौते के तहत इन्होंने ये कहा कि अब हम हिंसा जो है आने वाले महीनों में पूरी तरह से छोड़ देंगे और अपने हथियारों को भी आत्मसमर्पण कर देंगे। भारत सरकार, असम सरकार और इनके बीच में यह समझौता हुआ। तो आखिर इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किया? तो इनकी जो मांगे थी इनमें से बहुत सारी इनकी मांगों को मान लिया गया है। जैसे इनका यह कहना था कि हमें अपने समुदाय को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसमें से भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई है। 100 करोड़ रुपए 5 वर्ष तक दिया जाएगा। और इसके साथ ही कार्बिक का जो काक भाषा है इसे आधिकारिक रूप से असम में शामिल किया जाएगा। हालांकि असमी हिंदी और अंग्रेजी भी रहेगा लेकिन काक को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि इनका एक मांग था कि हमें जो है आधिकारिक भाषा के रूप में हमारी भाषा को शामिल किया जाए। ठीक, अब हम इसकी अगर बात करें इस एरिया की यानी कि इस समुदाय की, कार्बी एंगलोंग की, तो कार्बी एंगलोंग जो है एक जिला भी है जो कि मध्य असम का सबसे बड़ा जिला है। और इसके अलावा कार्बी जो है असम का प्रमुख जातीय समुदाय भी है, तो इसीलिए अपने जातीय समुदाय को रिजर्वेशन दिलाने के लिए भी यह प्रोटेस्ट होते रहा है या हिंसा का रूप अपनाते रहे हैं। तो अब फाइनली समझौता हो गया है। तो आपको याद रखना है कार्बी एंगलोंग के बारे में, कौन से राज्य में स्थित है, क्यों यहां पर शांति समझौते की जरूरत पड़ी, इनकी मांग क्या थी। तो इतने कुछ पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, यानी कि प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है इंडिया ने। कब लॉन्च किया है? 3 सितंबर 2021 को। और इस पैक्ट के तहत नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी कि WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से विकसित किया गया है। अब यहां पर इस पैक्ट को लाया गया है, प्लास्टिक पैक्ट को, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो भी हम आज के समय पे हानिकारक प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा हास्य हो रहा है, इसे कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए इस पैक्ट को लाया गया है। एक आंकड़े के अनुसार भारत जो है प्रति वर्ष 9.4 मिलियन टन
प्लास्टिक का उत्पादन करता है एक रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें से जो 40% प्लास्टिक है वो कुप्रबंधक है, यानी कि किसी भी प्रकार से इसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी फेंका रहता है, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में फैला हुआ है, और यह एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। और एक रिपोर्ट आया है, इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे आने वाले 20 वर्षों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 7.7 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक जो है वो पूरे दुनिया में कुप्रबंधक की संभावना जताई जा रही है। और यह जो अमाउंट है ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पूरी दुनिया की अभी आबादी है यह अमाउंट उसका 16 गुना होगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर इस पर सही तरीके से फैसला नहीं लिया गया तो ये आने वाले समय में कितना भयावह हो सकता है। और इस समझौते के जो है यानी कि इस पैक्ट के टोटल 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है रीडिजाइन और इनोवेशन की आवश्यकता है ताकि समस्या ग्रस्त जो भी प्लास्टिक है उसके पैकेजिंग को खत्म किया जा सके। समस्या ग्रस्त प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? जिसे रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे प्लास्टिक को खत्म करने की, ऐसे पैकेजिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्लास्टिक पैकेजिंग पुनः उपयोग में लाया जा सके, यानी कि हम क्या करते हैं एक प्लास्टिक को उपयोग करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, जैसे ये पानी का बोतल उपयोग करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, तो कई ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग को उपयोग करने की बात यहां पर किया जा रहा है जिसे कि वापस से उपयोग किया जा सके ताकि इसे एनवायरमेंट में ना फेंका जा सके, ठीक। तीसरा, प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनः उपयोग संग्रहण और पुनर्चक्रण को बढ़ाया जा सके, यानी कि रिसाइक्लिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। चौथा, प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्वीनीकरण सामग्री को बढ़ाना। और पहला प्लास्टिक समझौता जो है वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम ने अपनाया था और एशिया का पहला देश है भारत जिसने प्लास्टिक समझौता को अपनाया है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह का पैक्ट और उस पर अमल करना कितना जरूरी हो जाता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22। और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहां पर जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे ग्लोबल लेवल पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी कि 4.1 अरब लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सामाजिक सुरक्षा उनकी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अब यहां पर सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? सामाजिक सुरक्षा से हमारा यहां पर उद्देश्य है क्या उसे 2 वक्त का खाना सही से मिल पाता है, क्या उसकी जो आमदनी है वो सरकार वहां पर मुहैया करवाने के लिए किसी प्रकार से कार्यरत है, क्या हर किसी को वहां पर शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, हर किसी को वहां पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है, ये सारी जो मुद्दे हैं चाहे बेरोजगारी हो गया, ये सब किससे संबंधित है? सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि इसके अंतर्गत आता है, ठीक। कुछ और अदर फैक्ट्स देखें, अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका यहां पर 64.3 के साथ वैश्विक औसत में सबसे ऊपर है, यानी कि अमेरिका जो है अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने में अव्वल है, इतने पॉइंट पॉपुलेशन को अपने कंट्रीज में जो है सामाजिक सुरक्षा बेहतर तरीके से मुहैया करा रहा है, जबकि एशिया और प्रशांत कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो 44% यही रेशियो है, अरब कंट्रीज में 40% तथा अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे कम 17.4% का कवरेज है। सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में 17.4% लोगों तक सामाजिक सुरक्षा जो है वो बेहतर तरीके से पहुंच पा रहा है, और ग्लोबल लेवल पर अधिकांश बच्चे के पास में अभी भी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सिर्फ 26.4% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रहा है। तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन पॉइंट्स यानी कि इन डेटा का इस्तेमाल आप फैक्ट के तौर पर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में भी कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि त्रिपक्षीय एजेंसी है। त्रिपक्षीय कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस एजेंसी, यह एजेंसी जो है सरकारों से भी बातचीत करती है,
किसी विशेष संस्था से भी बात करती है, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करती है, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई कंपनीज है तो उससे भी बात करती है, और सदस्यों से यानी कि जो लगभग इसके 187 मेंबर है इनसे भी ये बात करती है। तो यह एक त्रिपक्षीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यकता है, इसी उद्देश्य के साथ में इसे स्टैब्लिश किया गया था। 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया वर्साय की संधि के तहत। उस समय राष्ट्र संघ हुआ करता था और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी बन गया। तो प्रीलिम्स में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब यहां पर जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत सरकार की तरफ से सोशल वेलफेयर के लिए, फिर सोशल प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या फिर कौन कौन से स्कीम शुरू किए गए हैं, याद रखिएगा। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लॉन्च किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोड लाया गया है 2020। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि किसानों जो मजदूरों को जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसे शुरू किया गया था 2020 में कोविड-19 के वक्त, और वन नेशन वन राशन कार्ड। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार की तरफ से ये सारी पहलें जो है वो किया जा रहा है, ठीक। याद रखिएगा जितने भी सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत सरकार की जो पहले की जा रही है उसे आप वैल्यूएशन के तौर पर शामिल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपना राष्ट्रीय पशु और अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। कब? 1 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लियोपर्ड। और राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? तो ब्लैक नेक क्रेन। यह एक तरह का सारसी होता है, आप यहां पर ये दोनों का इमेज देख सकते हो। ये इसका राष्ट्रीय पक्षी है और ये हिम तेंदुआ जो है इसका राष्ट्रीय पशु है। हिम तेंदुआ की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लूनिया, और यह वैज्ञानिक रूप से जीनस पैंथरा का ही एक फेलिड है, यानी कि इसका एक रूप है जो कि मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है, जो मूल रूप से लद्दाख का एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर का नॉर्थ का एरिया हो गया, इन जगहों पे ये ज्यादा पाया जाता है। और इसे जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत जो है रेड लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि इसकी आबादी पूरी दुनिया में 10,000 से कम है, यानी कि यह एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में शामिल है। इसके बाद अगर हम ब्लैक नेक क्रेन की बात करें, यानी कि इसे एक सारस का ही रूप कह सकते हैं, यह जो है वैज्ञानिक रूप से नाइग्रिकोलिस कहा जाता है, और इसे एशिया में पाया जाने वाला मध्यम आकार का सारस कहते हैं, और यह तिब्बती पठार, भारत और भूटान के सुदूर भागों में प्रजनन करता है। 2019 में जब लद्दाख केंद्र शासित नई प्रदेश बना था तो यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी था, और यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है IUCN के हिसाब से, ठीक। IUCN का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, वो याद रखिएगा। अगला टॉपिक है पोषण 2.0 कार्यक्रम। सबसे पहले समझिए कि ये पोषण कार्यक्रम है क्या। तो 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 से 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई, और उसी पोषण अभियान के तहत प्रत्येक साल सितंबर का महीना जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष पोषण 2.0 कार्यक्रम इस वर्ष के बजट भाषण में अनाउंस किया गया था। अब हम इस कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। तो इस कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। अब यह जो है आजादी का इस वर्ष अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो यह एक अमृत महोत्सव का हिस्सा है, और सरकार ने पोषण अभियान के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे पोषण 2.0 या फिर ओ का नाम दिया है। और इस वर्ष जो है इस पोषण माह के दौरान हर हफ्ते का अलग अलग थीम तय किया गया है। पहले सप्ताह का थीम है पौधारोपण गतिविधियां पोषण वाटिका, दूसरे सप्ताह का थीम है पोषण के लिए योग आयुष, तीसरे सप्ताह का, ये सितंबर महीने का है ना, तीसरे सप्ताह के लिए थीम है उच्च बोझ वाले जिलों में आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण, और सितंबर महीने का जो लास्ट हफ्ता होगा उसका जो थीम है गंभीर अति कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण।
तो इस वर्ष जो है पोषण माह का चार थीम है, हर हफ्ते का अलग अलग थीम, क्लियर। चलिए, और पोषण माह क्यों मनाया जाता है इस, और या फिर पोषण अभियान या फिर क्यों शुरू किया गया था इसे, तो इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है जो हमारे देश में कुपोषण और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, इस समस्या को खत्म करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक, चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या हुआ था कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आपका तमिलनाडु। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये भी याद रखिएगा कि राजगोपालाचारी और सीवी रमन के साथ इन्हें भारत रत्न दिया गया था, जो कि सबसे पहले प्राप्तकर्ता में आप कह सकते हो, राजगोपालाचारी और सीवी रमन के साथ इन्हें भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले प्राप्तकर्ता कहे जाते हैं। ठीक, और इस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो टोटल 44 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया। 44 का आप नाम याद नहीं रख सकते, इसलिए आप टोटल सिर्फ नंबर याद रखिएगा। आज के इस एनालिसिस वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो किससे संबंधित है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। पूरी दुनिया में लोग साक्षर हो सके और इसी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोविंग द डिजिटल डिवाइड, यह इसका थीम है। और यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन का जो 14वां सत्र था उसमें यह घोषणा किया इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने का। और पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया गया 1967 में। यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा, यूनेस्को को कब स्टैब्लिश किया गया, 1945 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल। तो इसके नाम से आप समझ सकते हो कि ये जितने भी विश्व के धरोहर हैं उसे संरक्षित करने का काम करता है, एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इस हफ्ते जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने डील किया। हाँ, इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से कोई सवाल हो या किसी भी प्रकार से कोई सुझाव देना चाहते हैं, मन में किसी भी प्रकार से कोई शंका है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, 24 घंटे के बाद अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां से डाउनलोड कर लें। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।